क्लटर बाय बाय क्लटर मैंने सक्सेसफुली अपने घर को अच्छे से सेटर कर लिया है एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपके दिल को कब सुकून मिलता है तो मैं बोलूँगी कि जब मेरा घर एकदम साफ़ होता है तब तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और घर एकदम क्लीन रहे ऑर्गेनाइज रहे तो कोई टेंशन नहीं रहती हम सब की स्पेशली हम फीमेल्स की हैबिट होती है बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं अपने घर के लिए और अपना घर जो है हम भरते चले जाते हैं जो भी हमें चीज़ अच्छी लगती है हम उसे ले आते हैं और जब बात डी की आती है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें कैसे करें तो वही आज मैं आपके साथ अपनी डीक लैटरिंग की जर्नी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको भी कुछ आइडिया मिले और जिस तरह मैंने अपने घर से सामान हटाया है सारा आप भी अपने घर से सारा सामान रवाना कर दें आपके घर का कोना कोना एकदम चमक जाएगा बस आपको दिन के दो घंटे निकालने हैं एक वीक तक सात दिन तक मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखकर अपने घर को पूरा डी क्लेटर किया है और घर अब और भी ज़्यादा क्लीन लगता है एकदम ऑर्गेनाइज लगता है और चीज़ें ढूंढने में भी कम टाइम लगता है तो वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने घर को एकदम क्लीन करें और डी क्लटर करके उसको ऑर्गेनाइज कर दें तो आज डे वन है और मैं अपनी फ्रिज को डी क्लटर कर रही हूँ फ्रिज क्लीन कर रही हूँ पूरी क्योंकि फ्रिज में भी बहुत सारा सामान होता है और आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग से ही मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ फ्रिज मैंने पूरी खाली कर दी और किचन के आधे से ज़्यादा बर्तन तो फ्रिज के अंदर ही थे और ये इतने सारे सॉसेज हैं इनको मुझे डी क्लटर करना है इसमें से कुछ क्योंकि ये सब मेरे घर कुकिंग में बहुत ही कम यूज़ होते हैं और ये सारी इतनी बड़ी बॉटल्स होती हैं जो वक्त के साथ एक्सपायर हो जाती हैं तो कुछ चीज़ें इसमें से एक्सपायर हो गई होंगी ये ज़्यादातर हम सब ऐसे ही करते हैं कि चेक करना ही इन्हें भूल जाते हैं जब कुछ बनाने जाते हैं जब भी चेक करते हैं तो अभी काफ़ी टाइम से ये सॉसेज़ वगैरह यूज़ नहीं हुए हैं और इनमें से कुछ एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें मैं बाहर निकाल दूँगी तो फ्रिज से काफ़ी सारा सामान निकल चुका है और फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया और वापस से मैं ये सारा सामान इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो फ्रिज क्लीन हो गई है पर अभी मेरे पास मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है अभी फ्रिज क्लीनिंग हो गई है और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं सोच रही हूँ किचन का एक सेक्शन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि किचन में ही डी में सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा उसकी क्लीनिंग और डी क्लेटरिंग में क्योंकि आपको तो पता है किचन में बहुत सारा टाइम लगता है मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है किचन डी के ऊपर उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाया है कि कैसे आप इजीली किचन डी क्लेटर कर सकते हैं तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें तो मैं पूरा सेवन डेज़ का दिखा रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखा रही हूँ पर उससे मैंने डिटेल में वीडियो शेयर करी है किचन डी क्लेटरिंग के ऊपर तो बस अभी मैं जल्दी से फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मेरे पास काफ़ी सारा टाइम रहता है अभी तो मैं किचन का एक सेक्शन भी आज ही क्लीन कर लूँगी फ्रिज मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए और इसके जो ये वाली जो किचन कैबिनेट है ना ये बहुत कम क्लीन होती है बाकी सारी तो किचन की मैं करती रहती हूँ और इसके अंदर मैं अपने सारे किचन अप्लाइंसेज रखती हूँ पर इसमें मौका ही नहीं मिलता कि मैं उसे क्लीन कर पाऊँ तो फ्रिज साफ़ करने के बाद मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ फिर जब मैं किचन डी क्लेटर करूँगी तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा तो जब भी आप डी करें उसको ऐसे ही पार्ट्स में डिवाइड करके करें तो इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और आपको एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है और आप थकते भी कम हो कैबिनेट का मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया जब भी आप डी करें तो जिस एरिया की करते हैं उसका सारा सामान बाहर निकाल दें तभी आप देख पाएंगे कि कौन से काम की चीज़ें और कौन सी आपको घर से बाहर निकालनी है तो सारा सामान बाहर निकल गई मैंने ये क्लीन भी कर दिया और इसके अंदर मैं अपने अप्लाइंसेस दोबारा से सेट कर दूँगी सारे किचन अपलाइंस मैंने इसके अंदर अच्छे से रख दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है इस कैबिनेट के अंदर पहले पूरी फुल हो रही थी और ये कुछ किचन के कपड़े निकले हैं टावल्स वगैरह तो ये किसी काम की नहीं है पीली टावल्स आपको डी क्लटर कर देनी चाहिए और ये इस कैबिनेट के अंदर इतने सारे बैग्स रखे हुए थे तो बैग्स को भी आप डी क्लटर करें बस वही बैग रखें जो आप यूज़ करते हैं बस ये है ना कि जल्दी जल्दी में हम सामान रखते चले जाते हैं तो एक यही मेरे को काम का बैग रख रहा है लग रहा है इसे मैं रख लूंगी और बाकी सारे मैं निकाल दूंगी क्योंकि वो किसी काम के है नहीं यस यूक यूकी आज के दिन दो घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि मैं अपनी क्लोज़ेट डी क्लटर कर रही हूँ और आपको तो पता है कि कपड़ों में कितना ज़्यादा टाइम लगता है हम इतने सारे कपड़े इकट्ठे करते चले जाते हैं और ना मतलब जो ऐसे कपड़े होते हैं जो कुछ ही हम पहन रहे होते हैं जो आगे आगे होते हैं बाकी कपड़े कहाँ रखें हमें कुछ पता नहीं होता ये इसलिए होता है क्योंकि हमने सही से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखे होते कपड़े तो आज मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी मेरी क्लॉज में मेरे कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और जो मेरी बेटी है मिराब उसके कपड़ों आ, मैंने थोड़े टाइम पहले ही ऑर्गेनाइज़ करे थे सारे सही से उसके डिकलेटर कर रहे थे कपड़े उसकी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है आप मेरे उसमें देख सकते हैं चैनल पर जाके तो आज जो कपड़े यूज़ नहीं हो रहे हैं उन्हें मैं हटा दूंगी घर से क्योंकि वो फालतू तो में जगह लेते हैं हमारी क्लोज़ेट के अंदर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि जब हम पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे और कुछ कपड़े तो रखे रखे ही आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं मैं अपने जीन्स ड्रेसेस जो भी वेस्टर्न वेयर है उसको अलग कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और जो मेरे सूट्स हैं उनको मैं अलग कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करके कर रखती हूँ। तो अभी पहले ये सारा मैं वही निकाल रही हूँ स्वेटर्स जीन्स ये सब तो इसको मैं पहले ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं सूट्स वगैरह किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जब भी आप कपड़े फ़ोल्ड करें उनको इस तरीके से फ़ोल्ड करें कि उनकी छोटी सी छोटी तह बने इससे जो भी आपका कपड़ा है वो बहुत कम स्पेस लेगा आपकी क्लोज़ेट के अंदर या वार्ड्रोब के अंदर जहाँ पर भी आप रखते हैं और आप जैसे मर्जी वैसे कपड़े फ़ोल्ड कर सकते हैं बस ये कोशिश करिए कि उनकी छोटी सी छोटी तह बने जितना भी मेरा बॉटम वेयर है उसको मैं अलग रखती हूँ अपनी टी शर्ट्स अलग रखती हूँ ड्रेसेस अलग रखती हूँ तो इससे ना कंफ्यूजन नहीं रहती कि एक लाइन में कुछ कुछ चीज़ें हैं हर हर चीज़ की अलग लाइन बना के रखती हूँ इन कंटेनर्स के अंदर और ये सी थ्रू कंटेनर्स है अंदर स, अंदर का दिखता है इसमें से सब के क्या चीज़ रखिए तो बहुत ईजी भी हो जाता है मेरे लिए निकालना आप चाहो तो ऐसे कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हो अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर आप कोई बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हो बास्केट्स में भी कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं आपके ये मेरा सारा वेस्टर्न वेयर फोल्ड हो गया है अच्छे से और इनकी मैं अलग अलग, अलग लाइन बनाऊंगी लोअर की अलग बनाऊंगी टी शर्ट की अलग ड्रेसेस वगैरह की अलग तो इस तरह तरीके से जो है आपके कपड़े ऑर्गेनाइज़ रहते हैं और आप इजीली मिल जाते हैं कि आपको क्या पहनना है और ये जीन्स तो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है लो वेस्ट जीन्स है ये जो अब नहीं चलती और ये भी मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी है स्वेट और ये भी कुछ कपड़े हैं जिन पे रुआ आ गया है तो ये सब मैं इनको निकाल दूँगी इनको मैं दोबारा तो नहीं पहनूँगी और ये काफ़ी ना पुराने भी हो चुके हैं मतलब मैं इनके पैसे अच्छे से वसूल कर चुकी हूँ और मैं अपने सूट्स वगैरह भी इस तरह से फोल्ड करती हूँ कि जो भी बॉटम वेयर है जैसे कि प्लाजो हो या फिर ट्राउज़र्स चल रहे हैं आजकल ट्राउज़र्स या फिर लेगिंग जो भी है उनको मैं अलग रखती हूँ फ़ोल्ड कर कर उनकी भी छोटी सी छोटी तय बनाती हूँ तो इससे ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और दुपट्टे मैं अलग रखती हूँ फ़ोल्ड करके सूट अलग रखती हूँ जो प्रॉपर सूट होते हैं ना पूरे वो सूट के पूरे फोल्ड अलग करती हूँ और कुर्तियों की अलग और बॉटम वेयर मैं अलग ही फ़ोल्ड करती हूँ तो इससे ना वो मैचिंग कर लेती हूँ किसी भी चीज़ से और ये कंटेनर्स बहुत सही है मेरे लिए क्योंकि मैं इजीली इसमें से निकाल सकती हूँ मुझे चारों तरफ से दिखता है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी है तो फाइनली आज ये कपड़ों का भी डीक्लटरिंग हो गई अच्छे से मेरे और ये कुछ सूट्स वगैरह निकले हैं जो अभी मैं नहीं पहनती हूँ काफ़ी टाइम से मैंने नहीं पहने और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ हमने काफ़ी टाइम से नहीं पहनी वो मैं आगे भी नहीं पहनूंगी तो हमें उनको टाइम टू टाइम डी कर देना चाहिए हालांकि हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं इन सब कपड़ों के साथ चीज़ों के साथ पर अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो जो हमारी अलमारियाँ हैं वॉड्रोब है वो भरती चली जाएंगी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी किसी ज़रूरतमंद को अपने कपड़े दे सकते हैं और लेकिन अच्छी कंडीशन वाली ही दीजिए और जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं उनको फेंकने के अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते आप ये कपड़े ऐसे होते हैं कि हमारे तो काम नहीं आ रहे होते लेकिन किसी और को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और उनको अच्छा लगता है अगर अगर हम उनको देते हैं तो।, तो मैंने ये जितने भी कपड़े निकले इनको मैं इस पॉलीथिन के अंदर रख दूँगी और फिर सारी चीज़ें एक साथ लेकर जाऊंगी जहाँ पर भी मुझे ये देने होंगे आज मैं अपना वॉशरूम पूरा डी कर रही हूँ मैंने पता नहीं वॉशरूम में जो खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जब से कैनाडा आई हूँ मैंने कुछ चीज़ें जो वॉशरूम में क्रीम्स वगैरह जो रखी हुई हैं वो अभी तक मैंने चेक नहीं की ना ही मैंने उन्हें यूज़ किया है तो वॉशरूम आज मैं अच्छे से डी कर रही हूँ पहले पूरा सारा सामान निकाल के रख दूँगी एक बकेट के अंदर रख रही हूँ मैं सारा सामान और फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लीन कर कर उनको अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो देखिए ये जो ये वाली कैबिनेट है इसके अंदर ये टाल वाला एरिया पूरा ऑर्गेनाइज है यहाँ पर मेरा आपके कुछ शैम्पू वग़ैरह है ये भी ऑर्गेनाइज है पर ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लग रहा है काफ़ी सारा सामान है यहाँ पर इसके नीचे जितने भी सेक्शन है से काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड लग रहे हैं तो इन सारे सामान को पहले तो मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर बाहर निकालने के बाद चेक करती हूँ कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है और फिर उसके हिसाब से चीज़ें रखती हूँ फिर दोबारा से मैं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ खाली बॉटल्स थी जो आराम से मॉज काट रही थी वॉशरूम के अंदर स्पेस ले रखा था उन्होंने और इतनी सारी चीज़ें ये एक्सपायर्ड हैं ये इंडिया से आई हैं मैं ये इंडिया से लेकर आई थी ये सारे प्रोडक्ट्स के यहाँ पर यूज़ करूँगी पर मैं इतना बिजी रहती हूँ अपने बच्चे के साथ कि मैं ये यूज़ ही नहीं करती मैं ना कुछ नेचुरली जो होममेड वो होते हैं फ़ेस पैक वो बना लेती हूँ बेसन वगैरह से तो वो काफ़ी अच्छे हैं ये कोम भी मैं निकाल दूँगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ रखी हैं सारी एक्सपायर्ड हैं या तो खाली हैं सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर कर क्या चीज़ रखना है क्या चीज़ निकालना है और मैंने वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी दे। और देखिए कितना खाली खाली लग रहा है अब सब और एक और एक सेक्शन तो बिल्कुल ही खाली है उसमें तो सामान नहीं है जिसमें सामान है वो भी काफ़ी खाली खाली लग रहा है तो जब हम चीज़ें डी करते हैं तो ऐसे हमारा जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है और देखिए मैंने ये सारा ना बास्केट के अंदर रख दिया बास्केट के अंदर चीज़ें तो आप ईजिली बास्केट हटा उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में तो आज मेरा वॉशरूम वाला काम खत्म हुआ तो आज काफी मेहनत वाला काम है मैं अपना किचन डीक्लेटर कर रही हूं और सारा सामान सबसे ज्यादा आसान तरीका है कि सबसे पहले तो अपने सारे कैबिनेट्स आप खाली कर दें हाँ थोड़ी सी थकान हो जाती है पर क्या कर सकते हैं हमें डी क्लेटर भी तो करना है ना सब कुछ अपना फालतू का सामान सारा बाहर निकालना है तो मैंने सारा किचन खाली कर दिया है सारी कैबिनेट्स खाली कर दी हैं और अब मैं इसमें से देखूंगी कि मुझे क्या सामान रखना है और क्या निकालना है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं एक जैसी दो होती हैं तो आप उनको भी निकाल सकते हैं और कई चीज़ें खराब हो रही होती हैं जैसे कि आपका कुकवेयर नॉन स्टिक तो आप उन चीज़ों को निकाल सकते हैं और आप ये सारी चीज़ें जैसे कपड़े बर्तन कहीं पर भी डोनेट कर सकते हैं एन में दे सकते हैं ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं तो देखिए मैंने ये सारे बर्तन वग़ैरह निकाल लिए हैं और ये सारे अच्छे कंडीशन में हैं तो मैं इनको तो नहीं निकालने वाली अभी और ये पतीली मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी और ये इसकी लिड जो है ना सही से लगती नहीं है इसकी तो ये दोनों चीज़ें मैं हटा रही हूँ अपने किचन में से तो मैंने सारे बर्तन अच्छे से चेक कर लिए और अभी मैं ये किचन थोड़ा सा क्लीन कर कर जितने भी सारे इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दूंगी अपनी सारी कटलरी क्रॉकरी और मैंने अपनी पैंट्री भी चेक करी कि क्या क्या चीज़ें हैं दालें वग़ैरह मैंने सब चेक कर लिया और अभी फ़िलहाल ये चिप्स के पैकेट वगैरह हैं और ये ना एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड पैक चीज़ें बहुत कम खाते हैं ये हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे चाहिए होती हैं स्पेशली हमारे बच्चे के लिए तो ये धीरे धीरे कर कर बहुत सारी इकट्ठा हो गए हैं घर के अंदर अब मैं इसको चेक कर रही हूँ अच्छे से कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी कहीं ऐसा होता है ना पैकेट में सील जाती है चीज़ पुरानी हो जाती है तो वही सारी चीज़ें चेक कर कर मैं इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी कैबिनेट के अंदर जब भी हम किसी भी अपने घर के किसी भी पार्ट की डी करते हैं तो उसके साथ साथ उस जगह की क्लीनिंग भी हो जाती है और वो जगह ऑर्गेनाइज भी हो जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी लगती है वो जगह इस वाली ड्रॉर के अंदर मैंने सारे अपने ये कंटेनर्स ऑर्गेनाइज कर कर रख दिए हैं और जिप लॉक पाउचेस वगैरह भी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी लिड्स एक अलग उसमें रखी है मैंने बास्केट में क्योंकि लिड्स मिलती नहीं है टाइम पर जब ढक्कन नहीं मिलते उनके और यहाँ पर मैंने छोटी सी पैंट्री ऑर्गेनाइज करी है मीराब के लिए कुछ जिसकी फेवरेट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ रख दी है क्योंकि ना वो छोटी है तो नीचे वाली आराम से ड्रॉर खींच लेती है तो इसमें से जो उसको खाना होगा वो निकाल के खा लेगी और जो बचे हुए स्नैक्स हैं यही चिप्स वगैरह वो मैंने इनके ऊपर ऊपर वाली उसमें रख दिए है कैबिनेट में आ, बास्केट्स के अंदर तो इस तरह से आज मेरा किचन का भी काम कंप्लीट हुआ हाँ थोड़ा सा हेक्टिक था आ, बाकी के दिनों से लेकिन हो गया और आपका भी हो जाएगा अगर आप भी अपना किचन डी क्लटर करेंगे तो नेक्स्ट so, मुझे अपना मेकअप करना है डी क्लटर जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है इनफैक्ट uh, जब से मैं कैनेडा आई हूँ तब से नहीं किया है और मेकअप की चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है वो रही है तो मेकअप मेकअपर करते हैं फटाफट अच्छा तो हम फीमेल्स में ना ये हैबिट भी होती है नए नए प्रोडक्ट्स देखते हैं ये सब चीजें देखते हैं और ले लेकर आते रहते हैं मैं अपनी ये हैबिट सच में छोड़ चुकी हूँ ये सारी चीज़ें मैंने पहले से इकट्ठी करके रखी हुई हैं हाँ जो चीज़ वर्थ है वो ज़रूर लें आप क्योंकि मेकअप भी अच्छा लगता है और स्किन केयर भी ज़रूरी है अच्छे करें लेकिन फालतू की चीज़ें ना बने अगर आपके पास एक हाइलाइटर है तो दूसरा हाइलाइटर तब तक ना लें जब तक कि वो ख़त्म न हो जाए इससे आपको पता है मेकअप इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है निया? फिर एंड में होता है क्या है कि चीज़ ही आपकी एक्सपायर होती है और देखिए मेकअप का करते करते ये मेरा पर्स था मैं मतलब इंडिया से ही अभी तक मैंने खोला नहीं इसमें मेरा आपके छोटे छोटे सी फोटोज़ निकले जिसमें मेरा आप बहुत छोटी थी और मेरा आप पूछ रही है कि ये कौन है तो मैं उसे बता रही हूँ कि ये आप खुद ही हो और वो इतनी क्यूट लग रही है मुझे इन फ़ोटोज़ में बहुत ही छोटी है इसमें भी देखिए कितनी छोटी है क्यूट सी तो ये तो है कि जब भी हम कुछ डी करते हैं तो हमें पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कुछ चीज़ें खोई हुई होती हैं वो मिल जाती हैं तो ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं और ये खाली हुआ व बॉटल पड़ी थी इसके अंदर और ये भी देखिए खाली बॉटल मैंने डाल रखी है आ, बुरी हैबिट है ये मेरी पर जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है सोचते हैं बाद में फेंक देंगे अभी इसी के अंदर डाल दें फिर वो नहीं हो पाता है काम और ये देखिए इतने सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं और भी लिपस्टिक के शेड्स हैं पर मैं लगाती एक ही हूँ क्योंकि ये सब अंदर दबे हुए थे मेकअप को आप सब भी टाइम टू टाइम डी करते रहें एक्सपायर प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं रखें अपनी किट के अंदर आ, वो आपके लिए ख़ुद के लिए अच्छा नहीं है आपको पता है आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है तो ये आज मेरा ये मेकअप अच्छा भी हो गया और अभी मुझे कुछ चीज़ें और करनी है क्योंकि मेकअप में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो अभी मैं अपनी ज्वेलरी भी कर लूँगी यहाँ पर खैर कनाडा में, में मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है मैं थोड़ी सी लेकर आई हूँ लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये टाइम के साथ ना खाली होने लगती है ऐसे तो जो भी आपकी ज्वेलरी ख़राब हो रही हो आप बिल्कुल भी मतलब लेजी मत बनिए इसको करने के लिए फालतू में जगह घेरते हैं बॉक्सेस घेरते हैं हमारे तो जो भी चीज़ें काली पड़ रही हैं उनको आप जल्दी से जल्दी निकाल दें डी क्लटर करें स्पेस बनाएं अपने घर में चीज़ें ऑर्गेनाइज कर कर रखें तो आपको भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा और चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी ना आपके लिए घर के अंदर तो ये आज मेरा ज्वेलरी वाला काम भी हो गया और ये मेडिसिन भी मैं आज कर लूँगी चेक सारी की सारी कौन सी सही है कौन सी खराब है छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जैसे मेकअप ज्वेलरी और ये मेडिसिन जिन्हें हम ना इग्नोर करते रहते हैं इनको हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि क्या चीज़ें सही है क्या खराब है एक्सपायर है एक्सपायर चीज़ों को निकालिए घर से बाहर और वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी दवाइयाँ एक्सपायर होकर फेंकती हैं और किसी के यूज़ में ना आए सब हेल्दी रहें तंदुरुस्त रहें और दवाइयाँ बस सबके घरों में ऐसे एक्सपायर होकर फेंकती रहें तो आज तीन काम हो गए मेकअप ज्वेलरी मेडिसिन तो आज सिक्स है डी क्लटरिंग का और मैं आज शूज़ टॉयज़ और कुछ और चीज़ें डी क्लटर करूँगी देखिए शूज़ में छः छे हो छेद हो चुका है होल है एक तो मैं इसको निकाल दूँगी बाहर और ये काफ़ी पुरानी सैंडल्स हो गई ये आप देख सकते हैं इनकी क्या कंडीशन है ये भी घर में बस रखी हुई हैं ऐसे ही जगह घेर रही हैं और ये भी और ये मेरा आपके सैंडल्स हैं ये वाइट कलर वाली उसके पैर में कभी भी सही नहीं आई उसने मुश्किल से थोड़ा कुछ दिन पहनी होंगी तो ये भी मैं निकाल दूँगी तो शूज़ डिक्लटर करने के बाद मैं आ गई थी मीरा के रूम के अंदर और इतने सारे टॉयज़ ये पूरा बॉक्स टॉयज़ से भरा हुआ है जिसमें फ़ालतू के इतने छोटे मोटे टॉयज़ हैं ना जिनसे वो अब खेलती नहीं है तो इनको मैं दे दूँगी किसी को कोई और बच्चा खेल लेगा मेरा तो के लिए दूसरे टॉयज़ आएंगे उसकी एज के अकॉर्डिंग और हमारे घर में ये इतनी सारी केबल्स वगैरह इकट्ठी होती रहती है ना प्लीज़ आप इन पर भी ध्यान दें और इनको भी डी करें अच्छे से मेरी वन वेलकम टू दी चैनल तो आज सेवन डे है डी क्लटरिंग का और मैंने सक्सेसफुली अपने घर को अच्छे से डी क्लटर कर दिया है और मैं बताऊँ आपको बिल्कुल भी टायरिंग नहीं था क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली uh, नहीं किया हर दिन अलग अलग चीज़ें की और दो दो ढाई ढाई घंटे लगे बस मुझे करने में और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी अगर वीडियो शूट नहीं होती तो बहुत जल्दी चीज़ें होती तो फाइनली मैंने इसको एज अ चैलेंज किया था कि मैं अपना घर डी क्लटर करूंगी पूरा हर सेक्शन डी क्लटर करूँगी वो हो गया है और आज सेवंथ डे है तो सेवन्थ डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी चीज़ें डी क्लटर की हैं जितना भी कबाड़ा निकाला है घर से उसको घर के अंदर नहीं रखना है आपको उसे अगर जिस किसी को देना है तो उसे देकर आइए या फिर उसे ट्रैश करना है करिए लेकिन घर के अंदर नहीं रखना है क्योंकि अगर आपने सोचा कि हम इसको रख लेते हैं अभी बाद में कभी कर देंगे तो वो दिन नहीं आएगा वो आपके घर के अंदर फिर से खुलता चला जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या डी किया है बहुत सारा सामान है ये सारा सामान निकला है जो यहाँ पर बॉक्सेस डायपर का डब्बा भी मैंने मेरा आपका यूज़ कर यूज लिया इसके अंदर तो सारे डोनेट करने वाले कपड़े जो बड़ा सा ब्लैक बैग है ना सारा ट्रैश है इसके अंदर सारा कबाड़ा है वो मतलब फेंकेगा काले वाले बैग के अंदर तो एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस वीडियो की तरह चैलेंज लें जैसे मैंने लिया था और आप सब भी अपने घर को डी क्लेटर कर दें एक स्ट्रेस फ्री माहौल हो जाता है आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने घर का सारा कबाड़ा निकाल के फेंक दिया है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बाय टेक केयर